तो आपको एक बात बताऊं, हमारे वहाँ से ना त्रिशूल पूरा साफ दिखता है, बिल्कुल साफ। मैंने ना अभी तक आपको ना अपना धारा दिखाया नहीं था, तो अभी दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ। बिल्कुल गधेरा आता है तो यहाँ पूरा पुल के ऊपर से पानी आता है, पुल के ऊपर से पूरा यहाँ, मतलब यहाँ पे पूरा भर जाता है पानी, और नीचे एक झरना भी है। अच्छा ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना हमारा गाँव, हिमालय दिख रहा है नीचे से। एक यूट्यूबर सामने है, सामने इसे क्या, उठे उठ, चल उठ जा। कुछ गर्मियों में ठंडा पानी हो जाता है अपने आप, मतलब अपने आप ठंडा पानी हो जाता है, और ठंडों में गर्म पानी हो जाता है। अरे वीडियो बनाना है मैंने तो अभी, चलो उठ गया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो नए दिन की नई शुरुआत से मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो ना आज के सीन कुछ ऐसा है कि आज मुझे कॉलेज तो जाना नहीं है, तो आज मैं रहूंगा घर पे ही। तो देखते हैं क्या क्या होता है, तो पहले हाथ में धोने चलते हैं। आजा। सो गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ धारों को। तो ना ये हमारे खेत है, यहाँ पे हमने ना मिर्ची हुई थी, तो अभी तो मिर्ची की एक पेड़, मतलब पांच छह पेड़ बचे हैं, ऊपर को बचे हैं, और लाल हो गए पूरे यार। अब तो मतलब तोड़ने का भी वो हो गया ना, मतलब अब लाल मिर्ची हो जाती है बाद में, तो इनको फिर सुखा के जो लाल मिर्ची नहीं बढ़ती थी, कड़ टाइप की हो, हाँ तो इसी से बनती है। मैंने ना अभी तक आपको ना अपना धारा दिखाया नहीं था, तो अभी दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ। बिल्कुल बताए थी, मतलब जो यहाँ का धारा होता है ना पहाड़ों का, तो इसमें ना क्या होता है बताऊँ, मतलब ठंडों में गर्म पानी हो जाता है हल्का हल्का, मतलब जब जितना सुबह आओगे, मतलब चार बजे आओगे ना आप, मतलब चार बजे उतने होता है, मतलब गर्म होगा तो धीरे 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 ठंडा होते रहेगा। तो गर्मियों में ठंडा पानी हो जाता है अपने आप, मतलब अपने आप ठंडा पानी होता है, और ठंडों में गर्म पानी हो जाता है। तो अभी आपको गधेरा, मतलब इतना कम पानी लग रहा होगा ना, गधेरा आता है तो यहाँ पूरा पुल के ऊपर से पानी आता है, पुल के ऊपर से पूरा यहाँ, मतलब यहाँ पे पूरा भर जाता है पानी, मतलब ये फुल होके मतलब यहाँ पे आ जाता है पूरा पानी, यहाँ तक धारे के ऊपर तक जो फर्सी है यहाँ पे तक आ जाता है, और नीचे एक झरना भी है। हो चुका है हमारा खाना पीना, और खाना वाना खा के मम्मी और राहुल तो स्कूल चले गए हैं, और पापा चले गए काम देखने के लिए, वहाँ पे काम चल रखा है ना, तो कुछ बनना है वहाँ पे दीवार वाल, तो वहीं चले गए हैं पापा काम देखने के लिए। और मुझे जाना है वहाँ बाहर बकरियों को खाने के लिए, तो ग्वाला जाना है मुझे, तो देखते हैं ग्वाला जाते हैं पहले, तो फिर देखते हैं क्या क्या होता है करके। चल उठ उठ उठ, चल दूध पियो। चल तो सबसे पहले इन्हें दूध पिलाना है, क्योंकि ये तो घर ही रहेंगे, तो मेरे साथ आ नहीं सकते ना, तो इसीलिए इनको पहले दूध पिलाता हूँ आराम से। जब भी ग्वाला जाना होता है ना, पहले इनको यहाँ पे ढक के जाना पड़ता है, क्योंकि ये फिर वहाँ गांव में जाके आतंक मचा देते हैं, मतलब पूरे फूल उल खा देते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पे बंद करके जाना पड़ता है। तो धूप तो यहाँ पे ना इसको ऊपर लग देते हैं, क्योंकि ना ये इनको भी मतलब ना इसको धकेल के मतलब नीचे को फेंक दे रहे हैं, पता नहीं फिर बाहर को निकल जा रहे हैं अपने आप, तो इसलिए इसके नीचे ऊपर पत्ता रखना पड़ रहा है इतने बड़े बड़े, तो तभी ये यहीं पर रहते हैं। सो अभी बज गया समथिंग 2:30 होगा अभी, और अब घर को जाने का टाइम भी हो ही गया है, तो थोड़ी देर बाद मतलब अभी बकरा चल रही है अपना, तो थोड़ी देर चलने देते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे हम मस्त करके घर। तो देखो ना यहाँ से हमारा गांव कितना अच्छा लग रहा है, ये सामने भाई कितना अच्छा लग रहा है ना, और ऊपर जस्ट मतलब हमारे गाँव के ऊपर ना हिमालय दिख रहा है पूरा का पूरा, देखो ये पूरा का पूरा हिमालय दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब आज साफ ही हो रखा है, 2-3 दिन से ना हिमालय पूरा साफ ही हो रखा था, सो मैं दिखा नहीं पाया, तो अभी ब्लॉग बना रहा हूँ तो अभी दिखाऊंगा। तो देखो वहाँ पे पूरा हमारे यहाँ से ना पूरा हिमालय दिखता है, मतलब आधा ही इस साइड वाला हिमालय पूरा दिखता है हमारे, वो वहाँ तक दिखता है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा वहाँ ना हिमालय दिखता है, तो भाई बहुत तगड़ा लगता है। अभी ना ऊपर से बादल भी आ गए हल्के, तो उतना अलग मतलब तगड़ा लग नहीं रहा है, तो अभी
जब अभी थोड़ी देर पहले तक ना, मतलब जो सुबह हुई थी उस वक्त बादल हटे थे, तो उस वक्त मैं सूट कर नहीं पाया। एक बात बताऊं, हमारे वहां से ना त्रिशूल पर्वत साफ दिखता है, बिल्कुल साफ। वो जो आगे सामने है ना, वो ही है त्रिशूल पर्वत, और उसे अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको। तो आ चुका है मैं घर, और अब भूख लग रही है, सो पहले खाना खाते हैं। उससे पहले, खाना खाने से पहले पहले हाथ में धो के आते हैं यार, पहले हाथ में धो के आते हैं फिर खाना खाएंगे। फिर चार साढ़े चार, तो साढ़े चार तो बज जाएगा, 4 बजे तक तो सारे स्कूल के बच्चे भी आ जाते हैं, तो फिर बॉल खेलने के लिए जाएंगे। आपको पता है, मतलब ना आज करना नीचे गांव के और ऊपर गांव के बॉल खेलने के लिए आ रहे हैं, और हमारे गांव के भी यहाँ आधे, तो हमारे आधे का पूरा, हमारे गांव के तो पूरी जाएंगे, तो सब जाके फील्ड पे ना आज करना बॉल खेल रहे, तो बिल्कुल मजा आ रहा है यार, मतलब सारे के सारे खेल लेना तो बहुत मजा आ रहा है। सो देखते हैं आज भी ऐसे मजाएगा, तो आपको भी दिखाएंगे यार, टेंशन मत लो। तो उससे पहले पहले हाथ में धो लेते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर जाएंगे यार। ओ सुप्री, क्या कर रही है? कुछ नहीं, वीडियो बना रहा मैं। है वीडियो बनाना है तुम्हार? तुम तो सा हीरो नहीं, हीरो नहीं मेरी बॉय का वीडियो बनाऊंगा। तब तो तैयारी, हीरो तो आवश्यक, हीरो तो आवश्यक। आ रोट मी घूमू जब तो बच्चे लोग ना वो करने मौला छिरे वाले खेलन चमील मैं सुप्री टाइगर जा सिका मारे गए हाँ मारता है, मारेगा वो देख ले कैसे कर रहे हो, पास में जाना उसके, किसकी है देखो ना कितने मस्त तरीके से बैठे हैं। ले ले ले, आजा चल चल भाई से, क्या उठे, उठ चल, उठ जा, उठ। ये देख लो इसकी माँ आ गई, इसके मतलब कुत्तों को हाथ लगाते सीधे इसकी माँ आ गई। तो ना सारे बॉल बॉल खेलने वाले तो आ चुके हैं नीचे देखो, और अब मैं भी जाता हूँ। तो अभी देखो ना यहाँ पे देखना इसे, अभी कैसा, अभी तो अपने बच्चों को धूप पिलाने में लगा है, कहना ठंडी भी होने लग गया बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं अभी स्वेटर पहन के आ गया, मस्त करके ठंडी से बचना है यार। हेलो 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 मार कट मार मार कट मार एक यूट्यूबर सामने है सामने वॉलीबॉल तो हो गया पूरा, अब चलो घर चलते हैं मस्त। सो मजा आया बहुत ज्यादा, आई होप कि आपको भी मजा आया होगा। तो घर तो मैं आ चुका हूँ, और घर में मम्मी पापा भी आ चुके हैं, तो देखो ना अंदर कितना अंधेरा हो रहा है, बाहर भी कितना उजाला हो रहा है, क्योंकि ना ये वाले एलईडी वाली बल्ब लगाई है, तो इससे ये ज्यादा मोन दे रहा है, मतलब उजालन दे रहा है, और वो 108 वाले ज्यादा रोशनी बाहर वाला दे रहा है। सो हे गाइस, आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।